हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी लौकी के पराठे की रेसिपी, और बहुत ही इजी वे में बनती है। तो चलिए हम देखते हैं इसे कैसे बनाना है। यहाँ पे मैंने एक लौकी ले लिया है, ये आधा केजी की लौकी है, और इसको हम ऐसे कट कर लेंगे। और अब इसे हम इस तरीके से, तो पराठा के लिए जब भी लौकी ले आओ, बहुत नरम नरम जो लौकी आती हैं उन्हीं को लाओ। अभी तो हम क्या करेंगे, इस तरह हम पूरा घिस लेंगे लौकी। देखिए इस तरह से सारी लौकी को घिस लेंगे। तो जब थोड़ा सा बच जाए तो बहुत केयरफुली करना चाहिए, नहीं हाथ में भी लग सकता है। इसमें जो ये थोड़ा थोड़ा लच्छे निकल आए हैं, इधर तो नहीं है, इधर तो बहुत अच्छा है, ये थोड़ा सा इधर है, इस साइड मैंने अलग कर लिया था, ये भी है। इनको हम इस चक्कू से ना ऐसे छोटा छोटा कर देंगे। तो यहाँ मैंने दो प्याज लिया है, आप दो से तीन चार जो भी आप क्वांटिटी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। और अभी से भी हम इसी में ऐसे ग्रेट कर देंगे। प्याज को भी मैंने ग्रेट कर लिया है इस तरह। तो अब क्या करेंगे हम इसको इस तरह सेम साइड में कर लेंगे। ये है प्याज, और यहाँ पे हम एक कटोरी लेंगे जिसमें हम इस लौकी के जो जूस हैं उनको निकालने वाले हैं। तो कपड़े में भी आप करके निकाल सकते हैं इन्हें, एक कॉटन का कपड़ा लेके, पर मैं इनको ऐसे ही निकाल रही हूँ इस तरह। हम प्रेस कर करके का जूस हम इसलिए अलग अलग निकाल रहे हैं क्योंकि इसको हमें लौकी का जूस जो है पीना है। अगर पीना नहीं होता तो हम इसको एक में ही निकाल सकते हैं, और आटा लगाने में यूज़ कर सकते हैं, या सब्जी बनाओ, कोई दाल बनाओ उसमें भी हम डाल सकते हैं। और अब इसे हम पी सकते हैं, इतना सारा जूस निकल गया है इसका। तो चलिए, तो यहाँ मैंने लिया है वीट फ्लार, आपको जिस क्वान्टिटी में बनाना है पराठे को उसी क्वान्टिटी में वीट फ्लार ले लीजिए 2 चम्मच। इसी तरह भर भर के ले रही हूँ बेसन। तो आप इसमें आप कई तरीके का फ्लार लेके इसमें मिक्स कर सकते हैं। आटे को ग्रेट की हुई लौकी डाल देना है। लौकी प्याज सारा हम इसमें डाल देंगे, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी धनिया, सब्जी मसाला, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी हींग, नमक स्वाद अनुसार। तो यहाँ मैं सेंधा नमक का यूज़ कर रही हूँ, और थोड़ा सा हम इसमें काला नमक डाल देंगे। काला नमक जो है टेस्ट को बहुत अच्छे से इन्हेंस करता है। थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे सौंफ, सौंफ से बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाता है पराठे का, तो सौंफ ज़रूर डालें। अब यहाँ पे मैंने लहसुन और अदरक को इस तरह कूट लिया है। सारे इंग्रेडिएंट्स को इस तरह मिक्स कर लेंगे आटे में। अभी हम पानी का यूज़ नहीं करेंगे, हो सकता है पानी का यूज ना ही लगे हमें। अगर हम अभी से पानी डाल देंगे तो ये गीला हो सकता है, इसलिए पहले आप इसको सुखा लो, इस तरह पूरा मिक्स कर लो अच्छे से। तो अच्छे से मिक्स कर लिया है, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे। तो आटा मैंने गूंथ लिया है, अब थोड़ा सा हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे अपने हाथों में। और अभी से हम 10 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट हो। 2000 years later. तो यहाँ आटा बहुत अच्छे से आराम कर लिया है,
और ये अच्छे से सेट हो गया है। तो अब चलिए हम पराठे को बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल कर लेंगे इस तरह। ना हम निकाल देंगे गाइस, ये ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा। तो अब इसे हम बेल लेंगे। और अब हमें क्या करना है गाइस, इस तरह से इसको हमें फोल्ड कर देना है इस तरह, ताकि खूब अच्छे से लच्छा पराठा, खूब बढ़िया लच्छा पराठा हमारा बने। एक एक परत इसका हम अलग कर सकते हैं, इतना अच्छा बनता है। अब इस तरफ से हमें ऐसे मोड़ देना है, इस तरह से इसको ऐसे चिपका देना है। और इस तरह हमें ऊपर के देखा, और यहाँ पे सूखा आटा थोड़ा सा हम स्प्रिंकल कर लेंगे ऐसे, और हमें बेल देना है। और अब इसे हमें तवे पे डाल देना है। तवा यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम साइज का हमें मीडियम तवा पे डालना है, इसको सेकना है। फिर हम घी डाल देंगे। तो मैं इसे देसी घी से बना रही हूँ, आपको पता होगा कि देसी घी का पराठा तो वाह क्या बात है भाई। तो आप इसे बटर, ऑयल, किसी भी चीज़ से बना सकते हैं। इस तरह हम प्रेस कर करके इसको बनाएंगे ताकि ये खूब क्रिस्पी बने। पराठे को इस तरह अगर प्रेस कर करके बनाते हैं ना, तो अच्छे से पक भी जाता है और बहुत क्रिस्पी पराठा बनता है। इसको हम चारों तरफ घुमा घुमा के इस तरह से प्रेस कर करके बनाएंगे। तो गाइस पराठा रेडी है। अब इसी तरह हम सारा पराठा बना के फिर आपको सर्विंग करके दिखाते हैं। तो गाइस बन के रेडी है पराठा लच्छेदार। और देखिए तो पराठा देख के मुंह में पानी तो जरूर आ रहा होगा, मुझे पता है, क्योंकि बना ही इतना टेस्टी है गाइस, बहुत टेस्टी बना है। और इसे आज हम सर्व कर रहे हैं टमाटर की चटनी के साथ। तो गाइस रेसिपी अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही अमेजिंग रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा प्लीज़। मुझे आपके सपोर्ट का बहुत बहुत ज़रूरत है। जब आप लोगों का कमेंट आता है और सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो यकीन मानिए गाइस इतना ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ता है। और जिस रेसिपी में हमें बहुत कम व्यूज़ और ये कमेंट वगैरह आते हैं ना, तो सच में बहुत डाउन हो जाता है हमारा मनोबल, इतना गिर जाता है कि हम इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी आपके लिए ढूंढ ढूंढ के लेके आते हैं और कोशिश करते हैं कि इजी वे में बताएं, और आप लोग हैं ना कमेंट करते हैं ना लाइक करते हैं, तो सब्सक्राइब का तो बात ही छोड़िए। तो प्लीज़ गाइस थोड़ा सपोर्ट कीजिए, आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ।
तो चलिए इसे हम टेस्ट करते हैं। तो गाइस बहुत टेस्टी लग रहा है ये। बहुत ही यमी है गाइस, बहुत बहुत इतना यमी है गाइस, इसका कोई जवाब ही नहीं है। आप बनाइए, इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर हमारी बहनें देख रही हैं तो अपने परिवार के लिए ज़रूर बनाएं, अगर भाई लोग देख रहे हैं तो अपने घर में इसे ज़रूर बनवा के खाइए। बहुत टेस्टी है और हेल्दी, तो आपको पता ही है कि लौकी का मैंने बनाया है, तो लौकी तो बहुत ही हेल्दी होता है हमारे लिए। तो ओके गाइस, फिर मिलूंगी आपसे ऐसे ही अमेजिंग रेसिपीज के साथ, तब तक के लिए बाय।